हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरोस एक्सपर्ट रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे है सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके जिंदगी में अवश्य क्या आने वाला है। सो वट इज अनसीन, वट इज इनविजिबल, वट इज अनहर्ड बट इज डेफिनेटली कमिंग टूअर्ड्स यू। क्या अनदेखा है, क्या अनसुना है, क्या आप नहीं जानते हैं, सो वो चीज़ आ रहा है, तो वो क्या है? सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने जा रहा है जिसके बारे में उनको बिल्कुल पता नहीं है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स We do have the spirit whisperer. Okay, this is the Empress card, the arrow master, wheel of fortune. We do have wise woman of wonderland. This is the world card. यहाँ पे है हमारे पास ice queen. Okay. यहाँ पे है the sun dancers. Great. और हमारे पास है यहाँ पे द वेल वॉचर 7 विच इज अ चैरियट कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है कॉस्मोस वास्टनेस 41। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे अच्छे से। लेट मी शिफ्ट दिस साइड। सो यहाँ पे है लियो, यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लीब्रा, लियो टॉरस एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो यहाँ पे है, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी है, ठीक है, सारे सन साइंस यहाँ पे है। एंड वी डू हैव सजिटेरियस एनर्जी ऑल्सो एट द सेम टाइम। ओके, हम दूसरा डेक से देखेंगे फिर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें। मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे लोग ना यहाँ पे मायूस हो रहे हो, जैसे आपको लग रहा है कि कुछ हासिल शायद आप नहीं कर पाएंगे, फेलियर हो जाएगा, या कोई प्लान्स में हो सकता है कि वादा विघ्न आ जाए, ठीक है, ऐसा आपको लग सकता है। बट इट इज़ लाइक एन इल्यूशन, वो आपका भ्रम है, उस भ्रम से अगर आप डिटैच हो जाते हो, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपका रास्ता साफ है, सिर्फ क्या है ना, आप अपने जो है प्रिजर्व, जैसे होता है ना कि अचार को क्यों प्रिजर्व करके रखा जाता था, और आज भी वो रीति रिवाज चल रहा है। क्यों? क्योंकि पहले ज़माने में इतना ज़मीन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी था, कहीं ना कहीं पे फर्टाइल लैंड्स नहीं थे, ठीक है, पानी की कमी थी, बरसात की कमी थी। सो इससे क्या होता था ना, फसल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते थे, इसलिए वेजिटेबल्स जो भी होते थे उसको अचार बना के रखा जाता था। आज भी होता है, बट एनी वे द सिस्टम हैज इम्प्रूव्ड, द चेंजेस इन वेदर इज देयर, राइट। बट क्या है ना, तो वो प्रिजर्व रखा था, राइट। प्रिजर्व मतलब क्या है, बहुत दिनों तक आप रख सकते हैं। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है व्हाट इज अनसीन एंड व्हाट इज इनविजिबल इज दैट, बहुत कुछ आप अपने तक सीमित रखे हो, आप अपने ही अंदर तक उसको प्रिजर्व करके रखे हो, बट आपको शायद नहीं पता वो चीज़ क्या है। बट आई डू थिंक सो दैट विद द हेल्प ऑफ द डिवाइन एनर्जीज, ठीक है, विद द डायरेक्ट कनेक्शन, ओके, विद द इनविजिबल फोर्सेस जो हमेशा मंडरा रहे हैं आपको मदद करने के लिए, उनके सहारे के वजह से आप ना सारे जो टारगेट्स है उसको फुलफिल करेंगे। योर मिशन विल बी अकॉम्प्लिश्ड एंड आई कैन सी लाइक दैट, जैसे होता है ना कि यू विल टेक डेफिनेटली लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स, या ऐसा हो सकता है कि आप जॉब प्रिपरेशन के लिए, आप जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सेशंस आप अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन में सबमिट कर रहे हो, ठीक है, मॉक टेस्ट्स हो रहे हैं, फिर भी आपको ऐसा हो सकता है। बट आई डू थिंक सो द इनविजिबल फोर्सेस जो आप शायद नहीं देख पा रहे हैं वो आपको अपना टारगेट तक लेके जा रहे हैं। एंड कैसा टारगेट,
जो आपको सीधा अपने डेस्टिनी तक लेके जाएगा। सो यहाँ पे मुझे उस तरह से दिख रहा है। कुछ लोग ने शायद ऐसा आपको कह दिया होगा दैट यू विल बी नेवर एबल टू मीट योर गोल्स, बट इट दे विल प्रूव दे विल बी प्रूव्ड रॉन्ग होगे अगेन। गो द डिस्टेंस, देखा आप इतने डिटरमाइंड होंगे कि आप, जैसे बोला जाता है ना कि झंडा वहाँ पे रख देना, उधर आप झंडा रख देंगे, ठीक है, अपने जीत का। यहाँ पे ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रहा है। वाओ, वी डू हैव द यंग एनर्जी। यहाँ पे है वाई 31st, ओके, ऑल दैट ग्लिटर 16 नंबर, एंड बॉटम ऑफ द डेक द फेट्स द डेस्टिनी। सो यहाँ पे लास्ट में डेस्टिनी आया है, यहाँ पे विल ऑफ फॉर्चून है। सो आई कैन सी लाइक दैट कि आपके जो किस्मत है, ठीक है, कुछ समय तक वो अच्छा नहीं जा रहा था क्योंकि फेवरेबल ट्रांजिट्स ग्रहों का नहीं था आपके कुंडली में, एंड देयरफॉर यू डिड नॉट रिसीव एनी टाइप ऑफ एडेड एडवांटेजेस। आपके हाथ से मौका मौका जो है वो चला गया, कुछ फेक लोगों से आपका पाला पड़ा। वो लोग आपको दिखा तो रहे थे कि दे आर फॉर यू, दे आर सपोर्टिव, बट जब मौका आया तब उन्होंने आपका, जब प्रॉब्लम्स आया तब, इमरजेंसी आया तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर दैट यू डोंट नो इज दैट यू विल मीट विद द हायर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। अपने हायर सेल्फ से आप मिलेंगे, जो आप एक हायर वर्जन बनेंगे, एंड बहुत कुछ चीज़ों में जो आप नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको उस दौरान देर वॉज सर्टेन ऑब्स्टकल्स ड्यू टू सैटर्न्स इन्फ्लुएंस हो सकता है, या कुंडली में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से आपका ऐसा हो रहा था, वो रहेगा नहीं, आपके किस्मत के सितारे ज़रूर चमकेंगे। एंड यू आर गोइंग टू मीट द एक्चुअल पर्सन। आप क्यों नहीं इतना दिन उनसे मिल पाए, क्यों ऐसा हुआ, क्यों आपका अभी भी इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अदर्स जिन्होंने कम या लेस एफर्ट्स दिए हैं। एवरीथिंग विल गेट टू नो। सो वट इज़ इनविजिबल यू विल गेट टू नो दैट। क्या है बेसिकली, वट आर दोज फोर्सेस, ठीक है। एंड कुछ लोग अपने जो है इनर वर्क करने से अपने मन की शुद्धि होगा वहाँ पे, डीप मेडिटेशन करने से, मंत्र चैट करने से, आपका क्या है ना, आपके अंतरात्मा जो है वो जाग रहे होंगे। और जब एक बार आपके अंतरात्मा जो जाग रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है, वो अलाइन हो रहा है उस कॉस्मोस के साथ, वो डिवाइन के साथ, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। इवन प्लैनेट्स के जो लॉर्ड होते हैं वो भी आपसे सेटिस्फाई होंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पे बृहस्पति, यहाँ पे सैटर्न शनि, यहाँ पे आपकी जो है बाकी कुंडली में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे 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 रेक्टिफाई आप खुद ही करेंगे। आपके कर्म, आपके जो प्रारब्ध कर्म हैं और आपके जो वर्तमान कर्म हैं वो ही आपके फ्यूचर को डिसाइड करेंगे। बट व्हाट इज़ इनविजिबल, क्या आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है, आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आपका अचीवमेंट होने वाला है। जैसे होता है ना कि पीपल गो बाय इकोनॉमिक क्लास, ठीक है, इन फ्लाइट्स, बट दे विश टू ट्रैवल बाय बिजनेस क्लास। आपका वही अपग्रेडेशन है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपका वही अपग्रेड हो रहा है कि आप इतना दिन से इकोनॉमिक क्लास में जा रहे थे, नाउ यू विल बी अपग्रेडेड टू द बिजनेस क्लास। आप ऐसी 3 टायर में जा रहे थे या 2 टायर में जा रहे थे, नाउ विल गो फॉर द एग्जीक्यूटिव एसी, राइट, केबिन, उस तरह से एनी वेयर इट कैन बी। आपके प्रमोशंस जो ड्यू थे आपको नहीं मिल रहे थे और आपने आशाएं छोड़ दिया था, जो आपको इतना दिन से रिश्ता मिल रहा था वो सारे फेक इनकाउंटर्स थे, सब कुछ फेक था, इट वॉज अराउंड फेक फेक पीपल यू हैड टू डील विद, जो आपका प्यार का दिखावा ही किए हैं बट जेन्युइनली आपसे कभी भी प्यार नहीं किए हैं। सो द एंड ऑफ द स्टोरी एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू वन। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ सम क्यूब्स, उस क्यूब से हमें देखना पड़ेगा।
रिवर्स पर गाइड प्लीज गाइड कर दो, मतलब रिवर्स उनकी जिंदगी में ऑब्वियसली अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स मिलकर्स व्हाट इज अनसीन व्हाट इज अनहर्ड व्हाट इज डेफिनेटली कमिंग टू अर्स. ओके, जैसे बोला जाता है ना कि कुछ लोग अपने गिरेबान पर झांक के नहीं देखते हैं, लोगों की दूसरे की फॉल्ट फाइंड करते हैं, उनको अच्छा सा सबक मिलेगा. आपके अगर क्लोज सर्कल में किसी ने आपके साथ ऐसा किया, आपको इंसल्ट करने की कोशिश किया, मैल प्रैक्टिसेस हुआ है, मलिशियस इवेंट्स हुए हैं आपके साथ, यू हैड फेस्ड लॉट ऑफ इविल एनर्जीज इन योर लाइफ, थिंग्स आर गोइंग टू कम टू एन एंड. जैसे व्हाट इज इनविजिबल, देखो इंट्यूशन ऑफ आउल इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट, क्योंकि माना जाता है कि वो ज्ञान का आधार है. बेसिकली आप अपने ही सिक्स सेंस से आप परसीव करेंगे, आप प्राप्त करेंगे कि अच्छा ये होने वाला है, सो आई शुड स्टे सेफ. आपको पहले कोई हिंट्स नहीं मिलता था, आपको पहले कोई भी शायद सिग्नल्स नहीं मिलता था, चिन्ह जो है वो आपको नहीं मिलते थे, सुराग आपको नहीं मिलता था, आपको मिलेगा. एंड थिंग्स विल गो स्टेडिली एंड ऑल ऑफ अ सडन मे बी यू विल गो एंड मीट समवन एंड यू विल एंजॉय डिलीशियस फूड, यू विल हैव अ वेरी गुड डे विद दैट पर्सन. फिर बाद में धीरे धीरे आपके साथ उनका मुलाकात का जो है वो जो एक सिलसिला है वो स्टार्ट हो जाएगा. So this is all about today's reading guys. I hope you like it and if you like please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.